तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर कहते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन में किसी कद्दावर शख्सियत को लाकर फिर हटाना मुनासिब नहीं लगता। बैरिस्टर गौहर अली खान को उम्मीदवार बराए चेयरमैन नामजद करने का फैसला स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, वरना बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। समा से गुफ्तगू में अली जफर बोले, -1 और कू जैसी बातें हमने खत्म कर दी हैं। जिस किस्म की नॉमिनेशन है इससे ही आपको नज़र आ जाना चाहिए कि ये -1 या कू या ये सारी चीज़ें हमने एक बार ख़त्म कर दी हैं। बैरिस्टर गौहर साहब -1 के उस ज़िम्मे में आते ही नहीं। नहीं, खदशा बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये सियासत है ना, उसमें बहुत सारा तासुर पे भी डिपेंड करता है। आप तासुर भी नहीं दे सकते किसी किस्म का। ये चूँकि टेम्प्ररी है, तो एक इतने बड़े कदावर शख्स को टेम्प्ररी अरेंजमेंट में ला के फिर हटाने का मुनासिब नहीं लगता, तो ये फैसला उसी स्ट्रेटजी के तहत लिया गया है, वरना तो ऑब्वियसली बहुत बहुत नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं। ज़रूरत इस वक्त ये नहीं है कि आप कौन हैं, ज़रूरत ये है कि हमें अरेंजमेंट करनी पड़ रही है, और वो कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए।